नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए या मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। तो आंसर है इसका, मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के लिए किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और कितने प्राप्त हुए हैं यह जानना है। अगला क्वेश्चन है, एस स्टीवेंसन के अनुसार मापन के स्तरों के नाम लिखिए। तो स्टीवेंस ने चार प्रकार के मापन स्तर दिए हैं, जो कि फर्स्ट है नामित स्तर, सेकंड है क्रमित स्तर, थर्ड है अंतरित स्तर, फोर्थ है आनुपातिक स्तर। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन के उद्देश्य लिखिए। इसका पहला उद्देश्य है अनुदेशन को प्रभावशीलता का पता लगाना, सेकंड है शिक्षण व्यू की रचना का विकास करना, थर्ड है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, फोर्थ है विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। बालकों में अध्ययन के लिए जो बाधक तत्व हैं उनकी पहचान करना। फिफ्थ है आपका, छात्रों को वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करना। छठवां उद्देश्य है छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना। सेवन्थ है आपका, अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना। एट्थ आपका, योग्यता आधारित वर्गीकरण करना एवं आवश्यकता अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हेतु बालक को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन की सीमाएं लिखिए। आंसर है इसका, तो मूल्यांकन की सीमाएं निम्न है, जिसमें पहला बिंदु है मूल्यांकन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, जैसे कि मापन के लिए होती है। सेकंड है मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह का प्रामाणिक मापदंड उपलब्ध नहीं है। तीसरा बिंदु है इसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश होता है। फोर्थ बिंदु है व्यापक प्रक्रिया होने के कारण इसमें अधिकांश शिक्षक रुचि नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विलियम वुंड की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई। तो विलियम वुंड ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सन 1879 में जर्मनी के नगर लिपजिंग में स्थापित की। अगला प्रश्न आपके लिए, मात्रात्मक चरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आंसर है इसका, मात्रात्मक चरों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है सतत चर, सेकंड है असतत चर। अगला क्वेश्चन है, मापन के नामित स्तर को और किन नामों से जाना जाता है। तो मापन के स्तर को नामित स्तर को शाब्दिक व नामांकित एवं वर्गीकृत मापन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मापन का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है। तो मापन का आंसर इसका, मापन का सबसे निम्नतम स्तर नामित स्तर है। अगला क्वेश्चन आपका, मापन के किस स्तर द्वारा गणितीय संक्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। आंसर इसका, नामित स्तर एवं क्रमित स्तर द्वारा गणित संक्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने
किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? यह कथन है, ऑप्शन ए रेमर्स और गेज, ऑप्शन बी वेस्ले, ऑप्शन सी डांडेकर, ऑप्शन डी जेम्स एसली। आंसर इसका ऑप्शन सी डांडेकर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बुद्धि परीक्षाओं के मापन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए वेस्ले, ऑप्शन बी डॉक्टर सी एच राइस, ऑप्शन सी केटल, ऑप्शन डी रेमर्स और गेज। आंसर इसका ऑप्शन बी डॉक्टर सी एच राइस। अगला क्वेश्चन है, मापन होता है ऑप्शन ए मूल्यात्मक, ऑप्शन बी मात्रात्मक, ऑप्शन सी तुलनात्मक, ऑप्शन डी गुणात्मक। आंसर इसका ऑप्शन बी मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आदोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी होम। आंसर इसका आंसर है ऑप्शन सी रूसो। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति का निर्णय के आधार पर लिया जाता है? ऑप्शन ए अधिगम अनुभवों, ऑप्शन बी व्यक्तिक संबंधों, ऑप्शन सी बौद्धिक स्तर, ऑप्शन डी मूल्यांकन के परिणामों। आंसर इसका ऑप्शन डी मूल्यांकन के परिणामों। अगला क्वेश्चन है आपका, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, 60 अंक का प्राप्त करना है। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन डी उपलब्धि। आंसर इसका ऑप्शन ए मापन। अगला क्वेश्चन है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी भूगोल से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। आंसर इसका ऑप्शन ए गणित से। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन ए अंत में अर्थात अधिगम अनुभव देने के पश्चात तथा शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात, ऑप्शन बी प्रारंभ में उद्देश्यों के निर्धारण करते समय, ऑप्शन सी अधिगम अनुभव प्रदान करते समय, ऑप्शन डी उक्त सभी स्तरों पर। आंसर इसका ऑप्शन डी उक्त सभी स्तरों पर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए, ऑप्शन ए उकसाता है, ऑप्शन बी बाध्य करता है, ऑप्शन सी अभिप्रेरित करता है, ऑप्शन डी सहायता करता है। आंसर इसका ऑप्शन सी अभिप्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है? ऑप्शन ए अनुवाद, ऑप्शन बी विवेचना, ऑप्शन सी वाक् विस्तार, ऑप्शन डी अनुप्रयोग। आंसर इसका ऑप्शन सी वाक् विस्तार।
अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नांकित को ध्यान में रखती है। ऑप्शन ए बालक के विकास के केवल एक पक्ष को, ऑप्शन बी बालक के विकास के कुछ पक्षों को, ऑप्शन सी बालक के विकास के अनेक पक्षों को, ऑप्शन डी बालक के विकास के समस्त पक्षों को। आंसर इसका ऑप्शन डी, बालक के विकास के समस्त पक्षों को। अगला क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन ए हेल्मस्टेडेकर, ऑप्शन बी एस.एस. स्टीवेंसन, ऑप्शन सी बेरटेंड रसेल, ऑप्शन डी बुंट। आंसर इसका ऑप्शन बी एस.एस. स्टीवेंसन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, नियमित, ऑप्शन बी विकासात्मक, ऑप्शन सी खंडित, ऑप्शन डी सतत। आंसर इसका ऑप्शन डी सतत। अगला क्वेश्चन है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी क्रियात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। आंसर इसका ऑप्शन बी 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। आगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।